40 मजदूर 12 तारीख से फंसे हुए थे और 17वां दिन जब आज तमाम वो कोशिशें यहां पर रंग लाई हैं और ये देखिए तमाम वो टीम जो यहां पर जुटी हुई थी दिन रात श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए, और पहले श्रमिक को बाहर निकाल लिया गया है। हर एक श्रमिक को बाहर निकालने में करीब 2 से 3 मिनट का समय लगेगा और इसीलिए यहां पर 41 एम्बुलेंस तैनात रखी गई थी ताकि उन्हें बाहर निकालते ही मेडिकल असिस्टेंस मेडिकल हेल्प दी जा सके। और इसी चहलकदमी के बीच पहले श्रमिक को बाहर निकाल लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 41 मजदूरों के बाहर निकलने का यह सिलसिला शुरू हो गया है। 12 नवंबर से यहां पर 41 मजदूर फंसे हुए थे और फंसी हुई थी जान तमाम मजदूरों के परिवार वालों की, परिजनों की। लगातार वो उनके बाहर निकलने की उम्मीद कर रहे थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे, लंबा दौर चला प्रार्थनाओं का और 17वें दिन श्रमिकों के बाहर निकलने का यह सिलसिला शुरू हुआ है। आपसे थोड़ी ही देर पहले सुबह से ही उम्मीद की जा रही थी किसी भी वक्त बाहर निकल सकते हैं श्रमिक, और अब पहले मजदूर को बाहर निकाल लिया गया है। उनके खाने पीने का इंतजाम यहां पर किया गया था, घर वालों से कहा गया था कि उनके लिए जरूरत का सामान लेकर वो पहुंच जाए। 41 एम्बुलेंस लगाई गई थी और सिलक्यारा गंडाल गांव टनल में ये ऑपरेशन जिंदगी पूरा हुआ। टनल से पहला मजदूर बाहर निकला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं आपको हर एक जानकारी जो वहां से मिल रही है। ये तस्वीरें आपको हम उसी स्पॉट की दिखा रहे हैं। सुबह से ही हमारे तमाम रिपोर्टर्स डटे हुए थे वहां पर हर एक जानकारी हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख रहे हैं तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप तक पहुंचा रहे हैं और देखिए किस तरह से यहां पर चहलकदमी तेज हुई है। लगातार सुबह से ही ये उम्मीद की जा रही थी कब श्रमिक बाहर निकलेंगे और अब थोड़ी देर पहले पहला श्रमिक बाहर निकाला गया है। उनके लिए चश्मों का इंतजाम भी किया गया था लेकिन बाहर निकलते निकलते सूर्यास्त हो गया है, अंधेरा हो गया है। और सोचिए आप 17 दिन तक एक सुरंग के अंदर कैद रहना, सुबह होती इस उम्मीद के साथ कि आज शायद कोशिशें रंग लाएंगी, बाहर निकाला जा सकेगा, लेकिन शाम होते ही वो उम्मीदें भी कमजोर हो जाती। और इस तरह से अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत रखते हुए यहाँ पर मजदूर डटे रहे, श्रमिक डटे रहे और अब उनको आज बाहर निकाला जा रहा है। हर कोशिश की गई, टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, जुगाड़ का इस्तेमाल किया गया, हर मुमकिन कोशिश यहाँ पर की गई और बाहर प्रार्थनाओं का लंबा दौर चला और उसके बाद ये ऑपरेशन जिंदगी कामयाब हो पाया है और उसकी शुरुआत हो गई है। पहले मजदूर को बाहर निकाल लिया गया है। 17वां दिन था और अब सुबह से ही आज ये कहा जा रहा था कि मजदूर किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। मजदूर है और ये जो पूरा एस्कॉर्ट होगा, पुलिस की जो कार है वो इन्हें पूरा एस्कॉर्ट करेगी ताकि रास्ते में किसी तरह की कोई रुकावट ना आए। तबीयत लगभग सबकी ठीक है अभी तक जो बचाई जा रही है, लेकिन एहतियातन अगले 24 से 48 घंटे इन मजदूरों को अस्पताल में रखा जाएगा चिन्यालीसौड़ में। उसके बाद जो दूसरे राज्यों की सरकार है जहां जहां के मजदूर है वो आगे की तैयारी करेंगे कि कैसे इनको अपनी जगहों पर ले जाना है, एयरलिफ्ट करना है या कैसे पहुंचाना है। लेकिन इस तस्वीर का इंतजार पिछले 17 दिनों से यहां पर किया जा रहा था कि कब ये मजदूर बाहर निकलेंगे और फाइनली आखिरकार वो क्षण आया, वो मूवमेंट है जब यहां से अब तैयारी हो चुकी है मजदूरों को बाहर निकालने के साथ ही चिन्यालीसौड़ ले जाने की। बिल्कुल नहीं, इनका पहली एम्बुलेंस अभी अंदर है, उसके अलावा मेन का वो अंदर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी से लाइव रिपोर्टिंग भी आप सुन पा रहे थे और ये देखिए अलग अलग तस्वीर के जरिए पूरे ऑपरेशन की हर एक अपडेट हमने आप तक पहुंचाई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जंग जीतते हुए हम यहाँ कि वो एम्बुलेंस अब यहाँ कितनी देर में यहाँ से मूव कर जाएगी,
क्योंकि पूरे रास्ते को जीरो जोन कर दिया गया है, कोई मूवमेंट नहीं रहेगा। और ये जो सारी एम्बुलेंस यहाँ पर तैयार है, इनकी लाइट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना वेट यहाँ पर किया जाता है। एक एम्बुलेंस आगे बढ़ी है और बाकी एम्बुलेंसेज बिल्कुल अपने सीक्वेंस में एक के पीछे एक, और मजदूर इसमें आते रहेंगे, उन्हें इसमें से यहाँ पर टनल में मजदूर फंसे हुए थे। सिलक्यारा डंडाल गांव टनल थी जहां पर मजदूर फंसे हुए थे आज 17वां दिन। और तीन मजदूर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, तीन मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं और वहां पर सुबह से ही एम्बुलेंस तैनात थी और उन एम्बुलेंस के जरिए अब इन मजदूरों को चिन्यालीस सॉल्ट पहुंचाया जाएगा। जैसे ही मजदूर बाहर आ रहे हैं उनको एम्बुलेंस से बैठाया जा रहा है जो फौरन प्राइमरी मेडिकल है। उनका हिसाब से वो एसडीआर के हिसाब से कैसा वो लेके आ रहा है, सब लोग कोई तकलीफ नहीं। आपकी टीम का नाम बता। मेरा टीम, हाँ। मेरा धरनी जियोटेक। अच्छा, ये बताइए काम क्या करते हैं? जो हम लोग जो इतना दिन से खाना जा रहा ना, वो उसी के लिए हम लोग होल करने के लिए आए। जी 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 देख के आए। बिल्कुल बिल्कुल सही है, 100% सही। ओके ओके, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप भी असली से आप जी बिल्कुल बिल्कुल। चंदन जी, यानी कि जो बाहर आए हैं वो बिल्कुल फिट हैं? बिल्कुल फिट है, बिल्कुल फिट है, 100% फिट है। नहीं ये पता नहीं जी, वो बाहर लोग का, मैं मेरा चंद्रन धरनी जियोटेक।